नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दहशत का माहौल बन गया है जब दुबग्गा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। युवक के सिर में गोली मारी गई है। पिस्टल सांसद के बेटे विकास किशोर की बताई जाती है। परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। वहीं विनय श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के बाद मंत्री के बेटे विकास किशोर ने फ्लाइट में बैठे हुए अपनी और टिकट की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। दावा किया है कि 31 अगस्त की शाम को वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। विकास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये तस्वीरें साझा की हैं। लखनऊ के दुबग्गा के बेगरिया में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नए मकान में शुक्रवार की सुबह तड़के 4 बजे भाजपा कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेगरिया फरीदीपुर निवासी 24 वर्षीय विनय श्रीवास्तव भाजपा कार्यकर्ता था। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे विकास किशोर उर्फ आंसू के साथ रहता था। शुक्रवार की सुबह तड़के 4 बजे विनय के सिर में पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव बेड के पास जमीन पर पड़ा पाया गया। वहीं मौके पर अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी, शमीम बाबा, अंकित वर्मा, अजय रावत सहित 2 अन्य अज्ञात लोग मौजूद थे। परिजनों ने अजय, अंकित और शमीम पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। साथ सांसद कौशल किशोर जी मौजूद है। सर, जो घटना हुई उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको हुई है? घटना की जानकारी जब हमको मिली तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब को फोन किया, उनको घटना की जानकारी दी और उन्होंने डीसीपी साहब को और फोरेंसिक टीम को वहाँ भेजा, एसीपी साहब को भेजा, आए, उन्होंने जाँच किया है। जो लोग घर में मौजूद थे उस समय और घटना के समय जो लोग मौजूद थे उनको सबको पुलिस लेकर के थाने गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। घटना का जो भी होगा वो खुलासा होगा और जो भी खुलासा होकर के निकल करके आएगा, हम विनय श्रीवास्तव के परिवारजन के साथ हैं, उनके भाइयों, उनकी माँ के साथ हैं। ये सब्जी भूजी साजिश है और मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा, कहीं ये भी कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपना पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था, उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए, सब कुछ ये सोची सभी साजिश है और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा। बस उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहाँ आप कहीं नहीं सुरक्षित है। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हो और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहती है? दिल्ली में मंत्री कहता है गोली मारो गाली देकर, मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद के मार देता है और अब लखनऊ की घटना ने तो एकदम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से मंत्री के घर में मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरक्षित है कुछ सरकार बता दे। जब मंत्री के घर में हत्या हो जाती है, मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या हुई पुलिस मान रही है, तो मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित भी है, कानून का राज है भी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की माने तो घटना के वक्त उनका बेटा यहां मौजूद ही नहीं था, वह दिल्ली में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। घर में 4 से 5 लोग मौजूद थे।
साथ ही मंत्री ने बताया कि हत्या का पता चलने पर मैंने कमिश्नर से संपर्क किया, जो पिस्टल है वो मेरे बेटे की है, विनय 2017 से मेरे बेटे के साथ है, जिसकी हत्या हुई वो बहुत अच्छा लड़का था, पुलिस पर कोई दबाव नहीं, पुलिस जांच करे, जो भी दोषी हो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करे, उस घर में सिर्फ बेटा और उसके दोस्त रहते हैं, साथ में रहने वाले दोस्त घर पर रुकते थे, मेरा बेटा विकास कल शाम से 4:30 बजे से दिल्ली में मौजूद है, वह थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाला है, मैं चाहता हूं कि पुलिस हत्याकांड का खुलासा करे। मंत्री कौशल किशोर के घर हुई हत्या के मामले में अब तक लखनऊ पुलिस की जो प्रतिक्रिया रही है उससे स्पष्टतया ऐसा दिख रहा है कि वे भारी दबाव में हैं। अतः आजाद अधिकार सेना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इस मामले की CBI से जांच की मांग करती है। लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र के बिगरिया गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर व विधायक पत्नी जय देवी कौशल का एक बेटे की बीते 19 अक्टूबर 2020 में शराब पीने से मौत हो गई थी। आकाश किशोर को किडनी की समस्या से मौत हो गई थी। आकाश किशोर नशे का आदी था। मौत हो जाने के बाद कौशल किशोर ने नशा मुक्त आंदोलन की मुहिम चलाई। बीते साल 2021 में दूसरे बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने हाथ की नस काट कर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। अंकिता ने हाथ की नस काटने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आयुष का नाम उस वक्त विवादों में आ गया जब उस पर अपने ही ऊपर गोली चलवाने का आरोप लगा। पुलिस जांच में भी खुलासा हुआ कि आयुष ने अपने साले आदर्श के जरिए खुद पर गोली चलवाई थी। वहीं पुलिस के माने तो कौशल किशोर ने घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी, जिसके बाद DCP पश्चिम राहुल राज, ADCP चिरंजीवी नाथ सिन्हा, ACP चौक सुनील सिंह, ACP काकोरे अनूप सिंह फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। DCP ने बताया कि तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो जनहित में आज उसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अरमान आसिफ हमारे साथ में है, तरुणमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की ओर से, कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ या हम कह सकते हैं जो वारदात हुई है, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर बेटे की पिस्टल से एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और ऐसे मामलों में सवाल तो उठेंगे। जांच हो रही है, हालांकि लखनऊ पुलिस ने कहा है कि पिस्टल विकास किशोर की ही है। समाजवादी पार्टी से शुरुआत कर रहे थे, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहेंगे सर? हालांकि समाजवादी पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है, अलग अलग मामलों से तुलना भी मामले में शुरू हो गई है, लेकिन कौशल किशोर जी तो कह रहे हैं कि बेटा दिल्ली में है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, फ्लाइट की है, चाहे फ्लाइट की टिकट की हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि बेटा दिल्ली में है तो घर पर दोस्त क्या कर रहे थे और पिस्टल बेटे की क्या कर रही थी? बेटे की पिस्टल से एक शख्स की हत्या कैसे हो जाती है सर? देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पे कोई हथियार हो वो अपना हथियार पहले कहीं छोड़ के जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित जगह पे रख के जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपके घर में बच्चे भी होते हैं या कोई और व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पहली लापरवाही तो यही है कि यदि आप अपना हथियार अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप उसे एक सुरक्षित जगह पर जो है। ठीक है सर, आपको यहाँ पर रोकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, सबसे पहले उस खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, विनय श्रीवास्तव मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या, जुए में हार जीत को लेकर विवाद, छीना झपटी में गोली चलने से विनय की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, छीना झपटी में गोली चलने से मौत और जीत के बाद अंकित ने जुआ खेलने से मना किया था, यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था, अहम जानकारी आपको हम बता दें, इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अंकित अजय शमीम बाबा, इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा, पुलिस ने विकास के नहीं होने की पुष्टि भी कर दी है। तो पुलिस ने साफ तौर पर देखिए विकास किशोर के, जो कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं, ना होने की पुष्टि कर दी गई है।
विनय श्रीवास्तव मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जुए में हार जीत को लेकर विवाद हुआ था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर, छीना झपटी में गोली चलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है छीना झपटी में गोली चलने से मौत हुई, ये बड़ी जानकारी। जीत के बाद अंकित ने मना किया था, इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ में हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस पूरे मामले में अब ये बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस ने विकास के नहीं होने की पुष्टि भी यहां पर करती है। तो पुलिस ने विकास के नहीं होने की पुष्टि करती है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। तो विनय श्रीवास्तव मर्डर केस में पुलिस का ये बड़ा खुलासा, यह अहम जानकारी। जुए में हार जीत को लेकर विवाद हुआ था, तो जुए में हार जीत को लेकर हुआ था विवाद। छीना झपटी में गोली चलने से विनय की मौत हो गई, तो छीना झपटी में गोली चलने से विनय की मौत हुई। तो इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था, यानी जुए खेलने को लेकर यहां पर आपस में विवाद होता है। पुलिस की गिरफ्त में अब आरोपी अंकित, अजय और शमीम बाबा हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और पुलिस ने विकास के नहीं होने की पुष्टि भी कर दी है। ठीक है, अब अपनी चर्चा के पास चर्चा शुरू करते हैं, मेहमानों के पास चलते हैं। बिल्कुल, सपा से हमारे साथ में जुड़े हुए थे मेहमान हैं, मेजर आशीष के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हैं अरमान आसिफ, उनका रुख कर लेते हैं। अरमान, ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास किशोर नहीं थे घटना के वक्त, इस वारदात के वक्त। अरमान, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जब से ये घटना हुई थी, ये लखनऊ की एक बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना बन गई थी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटे का नाम आ रहा था, और साथ ही उसके रिवॉल्वर जिससे गोली चली है उसका भी आ रहा था कि रिवॉल्वर से गोली चली है। लेकिन अभी पुलिस ने खुलासा ये किया है कि वहाँ पे ये जो तीनों आरोपी थे, वहां पे किसी बात को लेके झड़प हो गई थी, जिसमें छीना झपटी को लेकर गोली चल गई है, जिसमें गोली जो मृतक है उसके विनय उसके सर में जाके लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें, इसी पूरी घटना को लेकर कमिश्नर आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और बारीकी और डिटेल से कि क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ इन तीनों आरोपी ने और क्या कुछ कबूला है। और क्योंकि पुलिस ने यह भी माना है कि जो केंद्र राज्य मंत्री का बेटा विकास कौशल था, वो इस जहां मौजूद नहीं था मौके पर, क्योंकि सुबह से ये भी एक तरीके से जो केंद्र राज्य मंत्री थे उनकी भी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस भी काफी बारीकी से जांच कर रही थी, तमाम एंगल्स खंगाल रही थी, जितने बाहर घर के बाहर 3 CCTV कैमरे लगे थे, तीनों CCTV को कैमरे को देख रही थी, और आसपास भी जित एरिया में कैमरे जो लगे थे उसको भी पड़ताल किया। लेकिन जो अभी वो तीनों आरोपी जो तीनों थे, उन्होंने कबूला है कि वहां पे किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद से रिवॉल्वर जो थी उससे गोली चल गई थी, जिसके बाद गोली लगने से जो मृतक है उसकी हत्या कर दी गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भले ही यहाँ पर विकास के ना होने की पुष्टि की गई हो, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्रीय मंत्री के घर पर जुए की फड़ कैसे लग गई? अगर ये उनके बेटे के दोस्त भी थे तो उनके घर पर आखिर जुआ क्यों खेल रहे थे? इस सब को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या लगता है अरमान, जब शाम 7 बजे जैसा कि आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस दौरान कई अहम चीजें सामने आ सकती हैं, और क्या इस पूरे मामले पर अब तक कौशल किशोर ने कुछ कहा है जब ये अपडेट सामने आ चुका है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह ही सुबह जब DCP वहां पहुंचे थे, तो DCP का यहाँ उनका कहना था कि जो कौशल किशोर का घर था वहां पे पार्टी चल रही थी, लेकिन जब हमने कौशल किशोर से बात की तो उनका ये कहना था कि देखिए ये जो बात निकल के आ रही है पार्टी की, तो ऐसा कुछ वहां पे मामला नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से वहां पे AC कंटिन्यूअस वर्क कर रही थी, जिस हिसाब से वहां पे चीजें दिख रही थी, वहां पे साफ उससे पता चल रहा था कि वहां पे लोग रुकते थे। तो गाइस बिल्कुल देखा जाए तो ये, और आसपास के लोगों से भी जो हमने बात की, तो आसपास लोग दरअसल कैमरे के सामने तो कोई नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जो आसपास के लोगों से बात की है, उन्होंने ये कहा
के जो मृतक विनय है और साथ में ये जो तीनों आरोपी हैं जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो अक्सर वहां पे आया जाया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पार्टी भी चलती थी, वहां पे लोग शराब भी पीते थे, क्योंकि देखिए जो तमाम वीडियो भी निकल के आया है उसमें जो मृतक के बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो लगातार ये कह रहा है कि यहाँ पे नशे ने मेरे भाई की जान ले ली। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पहले से इस तरीके के कारनामों को अंजाम दिया जाता रहा होगा, तभी ये आज इतनी बड़ी घटना हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ी घटना है और सबको लेकर पुलिस क्या कुछ और खुलासे करती है इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। एक दर्शक हमारे साथ में, सबसे पहले उनको जोड़ते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में। सुरेश जी बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपके इस पूरे मामले पर? शर्मा जी मैं ये कहना चाहता हूँ जो मंत्री के जो केंद्रीय मंत्री के घर में जुआ से अड्डा पकड़ा जाता है वहाँ हत्याएं हो जाती है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ हाँ, हत्याएं हो जाती है, इसमें तो एक बहुत बड़ा लंबा विषय तैयार होता है। इसमें जब एक मंत्री के घर में अड्डा जुए का पकड़ के हत्या हो रही है तो अन्य जगह में क्या हो रहा होगा, ये तो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए इस मौके में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, सपा के पास हम थे, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। स्वागत सर एक बार फिर से आपका। आशीष जी आप बताइए, अब तो खुलासा हो गया है, लखनऊ पुलिस ने एक तरफ पिस्टल होने की बात कही थी जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने खूब घेरा था, लेकिन अब लखनऊ पुलिस ने कहा है कि भाई विकास किशोर मौके पर नहीं थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और जुए को लेकर यह विवाद असल में हुआ, छीना झपटी में गोली चल गई और एक शख्स की जान चली गई, क्या कहेंगे आप? देखिए सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर केंद्रीय मंत्री के घर पर इस तरीके के अनैतिक कार्य क्यों किए जा रहे हैं? शराब पीना या जुआ खेलना ये सब केंद्रीय मंत्री के घर पर चल रहा है, तो आम जगहों पर क्या होता होगा? देखिए यही सोचने वाली बात है कि अब जो है पुलिस जो है कहीं ना कहीं उस पे लीपापोती तो करेगी, अब जब इतनी चीजें जो को खुलासा हो रहा है जिन चीजों का, और आप देखिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि विकास वहां पे था या नहीं था। अगर वो नहीं था तो उसकी पिस्टल वहां क्यों थी, और अगर उसकी पिस्टल वहां थी, उसकी पिस्टल इन लड़कों के पास कैसे आ गई जो ये लड़के थे? अगर मान लीजिए मैं घर में नहीं हूं तो मेरे दोस्त मेरे घर पे क्या कर रहे थे, और अगर वो थे भी मेरे घर पे, एक तो गलत काम कर रहे थे, जुआ और शराब चल रही थी कौशल किशोर जी के घर पे, दूसरा कि उनकी उनको वो पिस्टल कैसे मिल जाती है, उनको कैसे पता है कि भाई एक जो विकास कौशल है उसकी जो पिस्टल है वो कहां रखी हुई है या उन्होंने दी थी? तभी तो आप देखिए ना, मृतक का भाई कह रहा है कि ये साजिश है, ये जिसको अब ये बताया जा रहा है कि ये गलती से चल गई, ऐसे गलती से मिल कैसे गई? मिली भी तो किसी तरीके से है, जानबूझ के दी गई है या बताया था या पता था तब मिली। अब खाना पूर्ति तो करनी है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उसको किसी तरीके से जो है मामले को जो है कुछ हल्का किया जाए, तो वो तो आप देखेंगे कि वो तो कहेंगे इस तरीके की बातें कि गलती से हो गई। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, और उत्तर प्रदेश क्यों क्राइम इतना बढ़ रहा है आप देखिए ना, आज भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। अभी हाल में अमरमणि त्रिपाठी जो मधुमिता कांड के थे उनको अच्छे आचरण की लिए जो है रिहाई मिल रही है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, ठीक है आपके पास आएंगे। कुछ दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं आशीष जी, उसके बाद चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? गिरीश जी आवाज मिल रही है आपको? तो गिरीश जी से संपर्क टूट चुका है। एक और दर्शक हमारे साथ में, विनीत शुक्ला जी हमारे साथ में। विनीत जी आवाज मिल रही है? तो विनीत जी की भी आवाज नहीं आ रही है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी से कुंवर निषाद सिंह साहब हमारे साथ में हैं। कुंवर जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? केंद्रीय मंत्री के घर पर जुए की फड़ चल रही है, बेटे के दोस्त बेटा मौजूद नहीं है, लेकिन घर पर बेटे के पिस्टल से हत्या हो रही है, घर में जुआ खेला जा रहा है, सब पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सरकार को जमकर घेरा है। जो कुछ यहाँ घटनाक्रम हुआ इसमें इतना स्पष्ट है कि सर आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी बताएं, बोले। इस पूरे घटनाक्रम में इतना स्पष्ट है कि किसी बड़े नेता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आदतन अपराधी हो चुके हैं, यह पहली बार नहीं है कि कौशल किशोर जी का इस तरह का घटनाक्रम हुआ हो, या लगातार इस तरह के घटनाक्रम होते रहे।
जैसे अभी उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश बन गया है, गुंडों का प्रदेश बन गया है, यहाँ महिलाएं ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाती हुई बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जो चीज की स्वीकार्यता लखनऊ पुलिस ने की है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में जुआ खेला जा रहा था, इससे शर्मनाक बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखिए ये कानून व्यवस्था पर, पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाता है कि आखिर क्यों लोगों के घरों में इस तरीके से जुआ खेला जा रहा है, या फिर पिस्टल अगर है बेटे की तो इस बात की सुनिश्चितता होनी चाहिए कि वो ठीक तरह से हो और उसकी सुरक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी की ओर से। तरुणिमा जी, उत्तर प्रदेश एक तरफ ये बड़े बड़े दावे करता है कि हम भाई कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, खुद उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुखिया है वो कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, माफियाओं की खैर नहीं है, जो भी अपराधी हैं वो पाताल में भी छुपे हों हम निकाल कर मारेंगे। लेकिन क्या हो अगर केंद्रीय मंत्री के घर पर ही इस तरीके की वारदात हो जाए? आप सोचिए, अपराध एक नहीं है, यहां पर जुआ खेला जा रहा है, बेटे के पिस्टल से हत्या हो रही है और कितनी सारी चीजें निकल कर सामने आई। बेटा भले मौजूद नहीं है लेकिन बेटे की पिस्टल वहां पर क्या कर रही थी, बेटे के दोस्त घर में जुआ क्यों खेल रहे थे, नशे की हालत में पाए गए, ये सारी चीजें भी विनय श्रीवास्तव के भाई ने आज कही हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है, प्रशासन आपका क्या कर रहा है, कटघरे में प्रशासन भी है सर। तरुणा मजी मैम, अनम्यूट करें मैम पहले, सबसे पहले गरिमा जी, मुझे इस घटना से एक कहावत याद आ रही है, जब सैया कोतवाल तो डर काहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कानून व्यवस्था ठप हो रही है, जैसे यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता घटनाओं में जो प्रकरण उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे रेप केस हो जाए या फिर आप जो भी उत्तर प्रदेश में जो आपकी घटनाएं उत्तर प्रदेश में मर्डर्स की हो रही है, चोरी चकारी की हो रही है, इस तरह की घटनाओं में भाजपा के नेता शामिल होते हैं। और अभी कुछ साल पहले की बात है, लखनपुर में भी आपके केंद्रीय मंत्री, भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे जो मर्डर में पाए गए, हत्या में पाए गए किसानों की। तो जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो उनके नेता है उनको संरक्षण दे रही है, अपराधी होने के बावजूद भी संरक्षण दे रही है, इस घटना को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में लोगों को कानून व्यवस्था जो है वो ठप दिखाई दे रही है। अब किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान हो, अब ब्रिजभूषण को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से सांसद है उनको, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, इसके चलते आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अरमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हम आज चर्चा कर रहे हैं जनहित में कि आखिर उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय मंत्री के घर पर इस तरीके का अपराध कैसे अंजाम लिया जा सकता है और कैसे इस तरीके की वारदात एक केंद्रीय मंत्री के घर पर होती है। आज मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। कुंवर निषाद जी के पास में चलते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या राय है आपकी? अजय जी हमारे साथ में, अजय जी बताएं। अजय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बताएं। अजय जी आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? तो अजय जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बताया अजय जी, बताएं। मैं पहली बात करूंगा, बोलिए। हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, हेलो। तो अजय जी की आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही तकनीकी खामी के चलते। कुंवर सिंह निषाद जी के पास पे चलते, कांग्रेस पार्टी से हैं। कुंवर जी, आज कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी बदहाल कैसे हो गई कि केंद्रीय मंत्री के घर पर इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? और भले ही विनय की हत्यारे पुलिस के शिकंजे में है लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सारे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदतन अपराधी हो गए। अच्छा, जैसा लखीमपुर में हुआ, लखीमपुर में पूरी की पूरी भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक जिस प्रकार का संरक्षण आशीष मिश्रा को दिया गया, उसी बात से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और उसी घटना का परिणाम है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में जुआ खेला जाता है,
केंद्रीय मंत्री के बेटे से की रिवाल्वर से हत्या कर दी जाती है, और इतना ही नहीं, एक बड़े नाम को छुपाने के लिए, दबाने के लिए पूरी की पूरी लखनऊ पुलिस तत्पर है। यह चीज बताती है कि नाम की बात कर रहे हैं कुंवर सिंह जी, मैं सीधे सीधे बताना चाहूंगा कि इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे कहीं ना कहीं उनकी रिवाल्वर से हत्या हुई है। ठीक है सर, पुलिस ने आप ठीक है, आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, मैं भी ये बात कह रही थी और क्रिस्टल उनकी है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन सर पुष्टि हो गई है कि विकास किशोर मौके पर नहीं थे, वो दिल्ली में है, फ्लाइट टिकट है, फ्लाइट की तस्वीरें हैं, इसके साथ ही और भी कई चीजें, यहाँ तक कि लखनऊ पुलिस ने इस बात को अनाउंस कर दिया है। अभी लखनऊ पुलिस जिस तरह का संरक्षण मिला हुआ है, अभी तो इतना तय नहीं है कि यह हत्या सुबह 4 बजे हुई है कि शाम को 4 बजे हुई है, तो इन चीजों में अभी तफ्तीश के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और निश्चित रूप से कोई बड़े नाम का खुलासा इस हत्याकांड में होगा। और ये लगातार ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये जब केंद्रीय मंत्री के घर में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो कल्पना कीजिए कि सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी सरकार में किस प्रकार से सुरक्षित होगा। ठीक है, सपा से हमारे साथ में आशीष चतुर्वेदी जी हमेशा, बहुत स्वागत सर एक बार फिर से आपका। आशीष जी, सवाल वही है कि आखिर हत्यारे पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो सवाल हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इनका जवाब कब मिलेगा? केंद्रीय मंत्री के घर पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आम जनता सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगी? और जो सरकार ये दावे करती हो कि हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आम लोगों को, वो भला आप क्या जवाब देगी? आपकी ओर से सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाबदेही सर बड़ी है। आशीष जी, सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उनको स्वयं जो है कहीं ना कहीं आगे आकर के बताना चाहिए कि उनके घर पे जुआ कैसे चल रहा था, उनके लड़के के जो दोस्त हैं वो वहां क्या कर रहे थे, और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया भी कि जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सब चीजें यहाँ अक्सर चला करती थी, तो ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है वहां पे, तो अक्सर जुआ शराब वहां चला करती थी। तो यदि केंद्रीय मंत्री के घर पे ऐसी गतिविधियां चलेंगी तो समाज को क्या संदेश जाएगा, जो आस पड़ोस लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज जाएगा, कहीं ना कहीं इन चीजों पे उनको विचार करना चाहिए और अपना जो पक्ष है वो सबके सामने रखना चाहिए। जहां तक उनके लड़के की भूमिका है तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट तो है ही है, क्योंकि अगर हत्या हुई है और आपकी रिवॉल्वर से हुई है तो आपके ऊपर जो हत्या का मुकदमा तो नहीं लग चल सकता, लेकिन अन्य धाराओं में तो पुलिस को जो है उनके खिलाफ धाराओं में मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा, जहां तक जुए का सवाल है उसमें भी दर्ज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही हम देख रहे हैं कि जो ऐसी आपराधिक घटनाओं पे पुलिस पर्दा डालती है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आती है बात, तो इससे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में अपराध इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस तरीके से जब आप उस पर पर्दा डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो अन्य अपराधी हैं वो सोचते हैं कि हम जो मौजूदा सत्ता दल है अगर उसमें शामिल हो जाएं और अपराध करें तो हम बचते रहेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक असुरक्षित प्रदेश की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम। ठीक है, तरुणमा जी का रुख करें। तरुणमा जी आम आदमी पार्टी से, तरुणमा जी आप बताइए, देखिए सभी ये कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी बात ये है ना कि आखिर बचाने की किसको कोशिश हो रही है, इसमें और भी अहम लोग हैं जिनको बचाने के लिए भी, यहाँ तक कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आपको भी लगता है कि क्या ठीक तरीके से जांच और न्याय मिल पाएगा विनय श्रीवास्तव, क्योंकि उसके भाई की अगर हम तस्वीरें देखें, हमने दिखाया कि किस तरीके से वो रो रो कर यही आरोप लगा रहा था कि हमेशा जब विकास जाते थे, विकास का करीबी दोस्त बताया जाता है विनय, ऐसे में जब भी कहीं बाहर जाते थे तो विकास विनय को साथ लेकर जाते थे, अक्सर साथ रहते थे, ऐसे में कल क्यों लेकर नहीं गए, घर पर अकेले क्या हो रहा था, नशे ने ले लिया, ये सारी बातें उसके भाई का कहना मुझे लगता है ये बड़ी बात है। इसका जवाब आपसे लेंगे तरुणमा जी, एक दर्शक है उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास ही आएंगे। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में, गिरीश जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि वह इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें अपने मंत्रिमंडल से और 3 काम तुरंत करें, जिसका ये मकान है जिसके नाम में जो इसका मकान मालिक है उस पर कठोर कार्रवाई, जिसकी रिवॉल्वर है उस पर कठोर कार्रवाई, और जनता को ये विश्वास दिला दें कि जनता के साथ नरेंद्र मोदी है, वह किसी मंत्री या अपराधी के साथ नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आज जनता उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के समझ लेगी कि नरेंद्र मोदी अपराधियों को संरक्षण देते हैं,
दूसरा और कोई नहीं देता। मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस मकान को खड़े नहीं रहना चाहिए, इसमें लंबे समय से जुआ हो रहा है, लंबे समय से अराजकता हो रही है। इस मकान को जैसे दूसरों के मकान आपके योगी साहब ने गिराए हैं, इस मकान को भी ध्वस्त होना चाहिए, तभी न्याय है। अन्यथा अन्याय करते करते आप भगवान के सामने भी न्याय के लिए गुजारिश करते रहेंगे हाथ जोड़कर, भगवान आपके साथ न्याय नहीं करेगा। अगर आपने इस केस पे न्याय नहीं किया, तमाम केसों में आपने पर्दे डाल दिए, ये केस खुलेआम हुआ है। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए गिरीश जी ने जो बातें कही ये भी काफी अहम है कि जिस तरीके से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर अब तक सरकार का चलता आया है, क्या अब भी वैसा ही एक्शन होगा? इसका जवाब हम मेजर आशीष जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले तरुणमा जी से हमने सवाल किया था। तरुणमा जी बताइए। देखिए दहशत का माहौल देखिए कि आस पड़ोस के मोहल्ले के जो लोग हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। आपके रिपोर्टर गए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, दहशत इतनी है कि जनता सामने नहीं आना चाहती है बताने के लिए। वहां का जो माहौल इतना दहशत हो रखा है, और केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके घर में उनके बेटे बेटा जो जिस घर में अपने दोस्तों को ठहराता था वहां पर जुए का अड्डा खोल रखा था। सोचिए प्रदेश में क्या हाल कर रखा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अगर बेटियों के रेप की बात होती है तो वहां पर भाजपा के बड़े नेता बृजभूषण सिंह चिन्मयानंद जैसे नेताओं का नाम आता है। मेरठ में अभी एक लड़की की हत्या की गई है, उस पर रेप करके उसकी हत्या की, उसमें भी बड़े क्षेत्रीय नेता का नाम आया है भाजपा के। तो इस प्रकार, और भूमाफिया अगर आप देखें तो भाजपा के नेता आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, उनके नाम दर्ज होंगे। इस प्रकार का जो अपराध उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऊपर से योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये खुद ही खुश हो जाते हैं, खुद ही बोलते हैं, जनता बेचारी देखती रह जाती है। एक तो महंगाई की मार है, ऊपर से ये जो अपराध उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है कि लड़के जो है खाली हो चुके हैं, नौकरी नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था खराब है। अब लड़के जो खाली हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों में इधर चले जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं, और यही हाल जो है विनय श्रीवास्तव का हुआ है। वो कहीं ना कहीं एक गलत लड़के के साथ, एक मंत्री के बेटे के साथ चले गए और वो जुए के आदि हो गए, और वहां पर ये सारा ग्रुप काम कर रहा है। अगर मंत्री अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे, इसका मतलब ये बहुत बड़ा गैंग हो रहा है, गैंग चल रहा है जुए का। अगर इस पर जांच हो तो पूरे उत्तर प्रदेश में जुए के अड्डे का जो गैंग है, इनके जो कौशल जो है किशोर, कौशल किशोर मंत्री जो है इनके केंद्रीय, उनके बेटे का कहीं ना कहीं पूरा गैंग उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस जुए का। तो इस पर जांच होनी चाहिए और अपने बेटे को बचाने के लिए की विस्तार से जांच की जानी चाहिए ताकि सच जो है वो सामने आ सके। ठीक है, ठीक है तरुणमा जी, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक और है चेन्नई से, प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? प्रेम जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? मोदी और योगी की जोड़ी जो बोलते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। देखिए मंत्रियों के घर में जुआ और शराब होता है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप अपने घर में जुआ खेलिए, कुछ भी करिए और पिस्तौल भी चलाइए, कुछ नहीं कर सकती इसमें सरकार। क्या करेगी, कानून क्या करेगा? कानून है ही नहीं तो करेगा क्या? बहन बेटियों की सुरक्षा है ही नहीं तो कानून करेगा क्या? तो अपनी सुरक्षा के लिए योगी जी देखिए ना, 200 आदमियों को साथ लेके चलते हैं, मोदी जी 2000 आदमियों को साथ लेके चलते हैं, उनकी सुरक्षा है, सुरक्षा और किसकी है? जुआ शराब और नशा इन्होंने तो बना दिया है देश को, और आम जनता को पकड़ते हैं कि जुआड़ी को पकड़ेंगे, उसके पास नशे की चीजें मिली उसको पकड़ेंगे दिखाने के लिए, अपराधियों को पकड़ते हैं, अपराधियों को अपराधी मार रहे हैं। इसका मतलब है इनके पास अपराधी, अपराधियों की मारने के लिए तैयारी है ना, और पुलिस के संरक्षण में मारे जाते हैं, हाईकोर्ट में मारे जाते हैं, तो घरों में क्या है? तो लास्ट स्टेज जो बच गया मंत्रियों का, तो पुलिस तो वहां जा ही नहीं सकती है मंत्रियों के पास, कहां से जाएगी पुलिस? तो वहां पर इनका जुगाड़ है। तो सोचने की चीजें जो देश में हल्ला मचा के रखा है पीएम साहब ने, एक देश एक चुनाव, ये भी फालतू का ही है ना नारा, क्योंकि इनको बनना है। अरे 50 साल के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए ना, क्या बिगड़ना है देश का? देश को सुरक्षित रखिए, आपके आपके हाथ में सुरक्षा, समझ रही है देश की सुरक्षित है, लेकिन आप देखिए आपके नीचे काम करने वाले क्या कर रहे हैं। योगी जी को चढ़ा दिया बुलडोजर, अरे किसी को मारने के लिए आपने अपराध करने के नाम पर बुलडोजर चढ़ा दिया, बगल वाले के चढ़ा दिया, उस पर चढ़ा दिया, बोलते हैं हम अपराधी को पकड़ रहे हैं। अपराधी पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अपराधी तो आप लोगों की संगत वाले हैं, आपके लोग जो संसद में बैठते हैं जाके वहां पे अल्लाह मचाते हैं,
कहने का मतलब यह है कि यूपी की दशा तो कहीं भी देखने लायक ही नहीं रह गई है। अभी ये G20 का दिल्ली में देखे जाके वो करा रहे हैं, सुरक्षा करा रहे हैं। अरे सुरक्षा कराते होते आप लोग अपराध को मिटा रहे होते, भ्रष्टाचार को मिटाए होते, तो इतनी सुरक्षा की दरकार ही नहीं पड़ती। आप लोग घूम के देखिए, पहले अपना भरोसा जीतिए पब्लिक में, आपको खुद को ही डर लगेगा तो दूसरे का भरोसा क्या जीतेंगे, क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, क्या अपराध को खत्म करेंगे? नहीं कर सकते आप देश को अपराध और भ्रष्टाचार, खाली दूसरे की बुराई करना, एक दूसरी आपकी पार्टी नहीं और दूसरी पार्टी आपकी बुराई करती है, आप उसकी बुराई करते हैं, इसी में हम लोगों का जीवन खत्म कर दिया आप लोगों ने, आम जनता का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, अभी एक दर्शक गिरीश जी हमारे साथ में थे, उन्होंने बड़ी ठीक बात कही कि देखिए सरकार का बुलडोजर खूब चलता आया है अब तक, और घर में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, घर में जुआ चल रहा था, नशे की चीजें हो रही थी, तो ऐसे में क्या अब सरकार का बुलडोजर उसी एक्शन से चलेगा, क्या उसी तेजी के साथ ये काम करेगा सर, क्या इस पर भी सवाल उठेंगे आप? ये सवाल अगर किसी पे सड़क पे चलते किसी आदमी से भी करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं, तो कहां से बुलडोजर चल जाएगा? ये जो बुलडोजर वाली कहानी है सिर्फ एक दिखावा है, जो खास तौर पे एक समुदाय और विपक्षी दल के जो नेता या जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ की गई, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे उनके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था उस टाइम पे, मतलब जोक्स फॉरवर्ड हो रहे थे कि ईडी से फोन आ रहा है कि भाई यहाँ तुम्हारे यहाँ रेड पड़ने वाली है। उसने कहा भाई साहब मैंने तो कल ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ईडी वाला बोल रहा है वो सॉरी रॉन्ग नंबर। तो एक मजाक भी अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, सोचने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है तभी इस तरीके के जो जोक्स हैं वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जब अपराध बढ़ रहा है तो लोग भी देख रहे हैं और उसको सह रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, सिर्फ दिखावा ज्यादा है, काम बहुत कम है। अभी उत्तर प्रदेश में इतना अपराध बढ़ रहा है, अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, कन्विक्शन है नहीं, और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चाहे बलात्कार करें, चाहे हाथरस का कांड हो, कहीं दंगों की बात हो, अभी आप देखिए वहां SP जो थे जिन्होंने दंगा रोका था उनका ही ट्रांसफर कर दिया। तो जब आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, ब्रिजभूषण जिस पे आरोपी है इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की सदस्यता ही रद्द हो गई, हमारे रेसलर्स जो हैं पहलवान वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको उस बलात्कारी को बचाना था ब्रिजभूषण शरण सिंह को। तो इस तरीके से जब आप संदेश क्या दे रहे हैं कि हर जगह आप बलात्कारियों को बचा रहे हैं, गुजरात में जिन लोगों ने बलात्कार किया सजा काट के निकले उनको माला पहना रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये संस्कारी बलात्कारी हैं, ये मतलब गिरने की कोई इंतहा होती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टियों का कोई रत्ती भर ईमान शर्म नाम की चीज इनके किसी नेता में नहीं है, किसी भी नेता में नहीं है। मतलब इनसे हमने सीखा है कि मां जो है वो भी एक चुनाव प्रचार का वस्तु हो सकती है, ये हमने देश में केवल एक नेता से सीखा है, देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि आज से पहले और ना आज के बाद कोई इतना गिरा हुआ आदमी होगा जो अपनी ही मां की मार्केटिंग कराता हो और बोलता हो कि भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूं, देख लो मेरी मां को। तो ठीक है, अपनी मां की जो मार्केटिंग कर ले, अब ठीक है सर, किसी पर इस तरीके की मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, हम जिस मुद्दे को लेकर, ये तो देश के लिए शर्मनाक है। ठीक है, मतलब एक तो भारत को बेचते हो, भारत माँ को बेचते हो, कभी दिल्ली का लाल किला दे दिया अडानी को, सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिया अडानी को, भारत माँ को भी बेचोगे, अपनी माँ को भी जो है सड़क पे खड़ा करोगे। ठीक है सर, ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए मुझे लगता है तो ठीक रहेगा। कुंवर नरसिंह निषाद जी के पास जाएंगे। निषाद जी, आप बताइए, एक्शन को लेकर एक तरफ बात हो रही है, आपने कहा कि भाई देखिए सच जो है वो सामने पूरी तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी सवाल है। आपने ये भी कह दिया कि कुछ बड़े नाम है जिनको छिपाया जा रहा है, क्या इस पूरे मामले में निष्पक्षता से पुलिस कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि केंद्रीय, आप सबने लगभग पैनल में बैठे सभी मेहमानों ने ये बात कही कि केंद्रीय मंत्री हैं, इसके पहले भी जिस तरीके से लखीमपुर का मामला सामने आया था, सपा के तो नेता है सांसद साजन जी सुनील सिंह, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए किस तरीके से लखीमपुर में आपके मंत्री जी के बेटे इस तरीके की वारदात करते हैं, और अब राजधानी में इस तरीके का मामला सामने आया है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, इस सब को लेकर सुनिश्चितता क्या आपको लग रही है? देखिए तरुणमा जी ने कहा था सैया भाई को डर काहे का, ये अपराधी सरकार के संरक्षण में है, पुलिस के संरक्षण में है, और पुलिस का जो चेहरा था वह हाथरस में सामने आ चुका है। हाथरस में जिस प्रकार से रात के 2 बजे
एक बेटी के सबका अंतिम संस्कार जबरन तरीके से किया गया तो उसमें स्पष्ट हो गया है। और अभी जो चीजें चल रही हैं, अभी अली एटा के अलीगंज में 6 दिन पूर्व एक स्कूल जाती हुई बेटी की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। अपराधी उसी गांव के हैं, लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ एक केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में रहने वाले लोगों को ये जो यूपी की पुलिस पकड़ेगी, इस बात पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, यहाँ आम आदमी को न्याय नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, यहाँ महिलाओं को न्याय नहीं है और यहाँ किसी पीड़ित को न्याय मिलने वाला नहीं है। और यह स्पष्ट रूप स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर भी इनका जो चलने वाला है वह केवल ऐसे लोगों पर चलने वाला है जो संप्रदाय विशेष के हैं। इनके जो अपराधी हैं, कोई बड़े से बड़ा अपराधी यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर ना इनका बुलडोजर चलेगा, ना इनकी पुलिस कार्रवाई करेगी और ना इनकी सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है। ठीक है, अन्य आपको लगता है कि कार्रवाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं होगा। तरुणमा जी के पास एक बार फिर से आते हैं। तरुणमा जी, देखिए कार्रवाई को लेकर सवाल तो आप सबने लगभग उठा ही दिए हैं, लेकिन अगर वर्तमान की यूपी की सरकार की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर ही आपने खूब दम भरा है, यहां तक कि इसी बेसिस पर आपने सरकार तक बना ली। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो बुलडोजर को लेकर खूब वाहवाहियां लूटी गई और खूब सारी बातें की गई कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, हमारे रहते प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, हमारे रहते अब माफिया जो है वो पूरे तरीके से अंदर हो गए है, माफियाओं में खौफ है। लेकिन क्या हो अगर जो आपके संरक्षण में लोग हैं वही इस तरीके के कामों में संलिप्त पाए जाएं? आपको लग रहा है कि इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार अब जो है वो कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए गरिमा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अपने में ही खुश होती है, अपने खुद को ही अपनी शील्ड पकड़ा लेती है, अपने आप को सम्मान दे देती है। इस पे भी एक कहावत याद आ रही है कि गलत फहमी पालिए लेकिन खुशफहमी मत पालिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है खुशफहमी पाल के बैठी है क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पे उत्तर प्रदेश में, महिला सुरक्षा को लेकर भय है उत्तर प्रदेश में जनता में, आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए सरकारी स्कूल सारे खत्म हो चुके हैं, मेडिकल सुविधा देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल्स खत्म है, वहां पर भी इस स्थिति है कि अगर थोड़ा छोटा भी ऑपरेशन होता है या बेड भी है तो उसमें भी पैसे चलते, गरीब आदमी से भी पैसे ले लिए जाते हैं। सरकारी स्कूल तो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं और सुना जा रहा है कि उसे भी प्राइवेटाइज करा दिया जाएगा, किसी एनजीओ को दे दिया जाएगा और वो भी किसी बड़े व्यापारी बिजनेसमैन के दामाद को दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको फिर आगे दी जाएगी। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, कानून व्यवस्था के नाम पर मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था तो ऐसे ही हो गई है कि आप उस पर एक शब्द भी ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले की किसी भी शहर की जो कानून व्यवस्था है वो सही है। अब मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और गाजियाबाद की स्थिति ये है कि ये स्मार्ट सिटी, मोदी जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का ये हाल है जो दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली से सटा हुआ है, मतलब मेरे यहाँ से 10-15 मिनट में मैं दिल्ली पहुंच सकती हूँ। इस एरिया का ये हाल है कि आए दिन चैन खींची जाती है महिलाओं की, कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लोनी जैसे एरिया में तो लड़कियों को रोज उठाया जाता है, मुरादनगर आपका मोदी नगर एरिया बहुत दहशत वाला एरिया है। अगर एक शहर के अंदर चोरी चकारी, किसी का भी मर्डर कुछ भी हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस कुछ नहीं, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कोई भी खुलासा नहीं कर पाई। खुलासा सिर्फ एक समुदाय का होता है और किसी का भी नहीं होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव जीतना है या लोगों को, जनता को डरा के रखना है तो हिंदू मुसलमान करते रहिए, हिंदू मुसलमान करते, आप मुसलमानों को अपराधी घोषित कर दीजिए, बस उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं 10 में से 10 वो नंबर की बात करूं तो मैं 0 दूंगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून व्यवस्था आपको पूरी तरीके से बदहाल नजर आती है। आशीष जी हमारे साथ में है, फिलहाल आशीष जी नहीं अभी जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में कुंवर सिंह निषाद जी हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। निषाद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से हत्याकांड हुए, और देखिए यहाँ पर सिर्फ लखनऊ की ही बात कर ले तो कई ऐसे बड़े बड़े मामले हैं, चाहे कोर्ट के भीतर हमने देखा हो किस तरीके से गोलियां चल जाती हैं, इस तरीके से
कानून व्यवस्था हाथ पर रखकर, कानून को ताक पर रखकर लोग अपराध कर रहे हैं, लोगों में डर नहीं रह गया, बावजूद इसके सरकार ये दावे किस तरीके से कर देती है कि भाई हम तो कानून व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, जल्दी से बहुत कम वक्त है। कहा जाएगा दीपक तले अंधेरा, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, पुलिस कहती है कि वहां पर जुआ हो रहा था, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है। कानून नाम का कोई इस उत्तर प्रदेश में राज खत्म हो चुका है। यहाँ बहन बेटियों को, अभी गाजियाबाद की बेटियों को खून से पत्र लिखना पड़ा, कहना पड़ा कि एक संघ के एक बड़े अधिकारी ने हमारे साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, हमारे साथ छेड़खानी की है। वहां स्कूलों में बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में वकील सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो यह जो पूरी जो चीजें हैं वो स्पष्ट है, शीशे की तरह साफ है कि अब ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज के बड़े स्तर पर। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो बदहाल है, अपराधी पूरी तरीके से कानून को ताक पर रखकर अपराध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जुए में गोली चली और मंत्री के घर पर खून की होली खेली गई, क्योंकि एक शख्स की हत्या हो गई, मंत्री के बेटे के पिस्टल के साथ में हत्या की गई है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर केंद्रीय और मंत्री के घर पर क्यों इस तरीके का अपराध हो रहा था, क्यों केंद्रीय मंत्री के घर पर बेटे की पिस्टल से एक हत्या कर दी जाती है, और जुए के साथ यहां पर क्यों इस तरीके का अपराध जो है वो जन्म ले रहा था। जनहित में आज उतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।